मेरी माधुरी दीक्षित आके बोलती है, दाना दाना खनके। कभी देखा है वो लोग चावल कैसे खाते हैं? भाई चॉपस्टिक से खाते हैं, तेरा दाना दाना तो वो शाम तक एक एक चावल खाता रहेगा। हमारा चावल बिकेगा दुबई में, सऊदी में, अफ्रीका में, जहाँ वो बिरयानी बनाते हैं। ये नहीं कि एशियन मार्केट में बिकेगा जहाँ वो चॉपस्टिक से खाते हैं। मैडम आप एक्सपोर्ट करा दो, एक्सपोर्ट करा दो। हमें ये समझना पड़ेगा बायर आपका माल खरीद के करता क्या है। अब आप देखो, ऑस्ट्रेलिया से भी अदरक की डिमांड आई और अफ्रीका में मोरक्को से भी अदरक की डिमांड आई। हम लोग पागलों की तरह दोनों जगह पहुंच गए। एक स्टेट की अदरक और दूसरे स्टेट की अदरक में जमीन आसमान का अंतर है, वो हम समझते नहीं है। इंडोनेशिया जैसी कंट्री वो क्या करती है, आपको कंज्यूमर प्रेफरेंस समझ में आना चाहिए कि इंडोनेशिया जैसी कंट्री है सर, वो आम को कैसे खाती है? वो कच्चे आम को मछली और चावल के साथ मिक्स करके, बगून करके खाती है। उस आदमी के पास आप पीला आम लेके स्टॉल पे बैठोगे तो हो चुका है मैंगो एक्सपोर्ट। आपकी सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो कर दिया, लेकिन जैसे जब सरकार मलेशिया और इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ अग्रीमेंट समझौता कर रही थी, कहते हैं भाई हमारा चावल बहुत है, हमारे पास बासमती राइस बहुत है, यार हमारा बासमती राइस ले लो, बासमती राइस ले लो, इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दो। 8 साल लगा दिए इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने में, उसके बाद भी माल नहीं बिका। मैंने सरकार को 2 एडवर्टीजमेंट दिखाए। क्या एडवर्टीजमेंट? मेरी माधुरी दीक्षित आके बोलती है, दाना दाना खनके खिला चावल। कभी देखा है वो लोग चावल कैसे खाते हैं? भाई चॉपस्टिक से खाते हैं, तेरा दाना दाना तो वो शाम तक एक एक चावल खाता रहेगा। यू रियलाइज? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो लोग अपने मैंने एडवर्टीजमेंट दिखाया वियतनाम का सरकार को, सर देखो क्या बोलते हैं, जैसे ही चावल पका देखो चिपक गया। हम क्या दिखा रहे हैं? यार बिल्कुल नहीं चिपकता, दाना दाना खनके। कहाँ बिकेगा चावल? हमारा चावल बिकेगा दुबई में, सऊदी में, अफ्रीका में, जहाँ वो बिरयानी बनाते हैं। ये नहीं कि एशियन मार्केट में बिकेगा जहाँ वो चॉपस्टिक से खाते हैं। दूसरी चीज आप हमेशा याद रखिएगा सर, सिक्किम गवर्नमेंट की बात करती हूँ मैं। हमारे यहाँ 2 जगह अदरक बहुत होती है, एक होती है अदरक सिक्किम में और दूसरी होती है सिरमौर हिमाचल में। आपके पास भी है सर? हुआ क्या, ये लोग, मैडम आप एक्सपोर्ट करा दो, एक्सपोर्ट करा दो। हमें ये समझना पड़ेगा बायर आपका माल खरीद के करता क्या है, उसका करता क्या है बंदा। अब आप देखो, ऑस्ट्रेलिया से भी अदरक की डिमांड आई और अफ्रीका में मोरक्को से भी अदरक की डिमांड आई। हम लोग पागलों की तरह दोनों जगह पहुंच गए, लेकिन एक स्टेट की अदरक और दूसरे स्टेट की अदरक में जमीन आसमान का अंतर है, वो हम समझते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो अदरक की डिमांड है, वहां पे जो बंदा है वो इंपोर्ट करके क्या करता है, इंपोर्ट करके उसका कफ सिरप बनाता है। तो उसको कैसी अदरक चाहिए जिसमें फाइबर कम जूस ज्यादा हो, और मोरक्को में जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया जाता है जिसको वो खाने के साथ खाते हैं। वहां पे कौन सा जिंजर चाहिए जहां पे जूस कम फाइबर ज्यादा हो। ये आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि बंदा आपका प्रोडक्ट लेके उसका करता क्या है, राइट? तो एंड यूज एक बहुत बड़ी बात है। हमको दूसरा प्रोडक्ट दिया, मैडम हमारा सत्तू बिकवा दो, सत्तू और एक वो होता है आपका कूटू का आटा, बड़ा गांव का है कूटू का आटा, तो हम रोज व्रत में खाते हैं अपने। कूटू के आटे के लिए बड़ा दिक्कत हुई, यार ये तो इंटरनेशनल मार्केट में कूटू का आटा कोई जानता ही नहीं है, इसको कैसे एक्सपोर्ट करा दें, तो हमारे गांव देहात का माल है। अब समझने की कोशिश करी सर, आप सब लोग फार्मर हो, एक चीज गांठ बांध लीजिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट आपका। कभी जब आप मार्केटिंग करते हो सर, कूटू, कूटू का आटा, जो व्रत में काला आटा खाते हैं सर, कूटू, कूटू बकवीट, बकवीट, क्या अंग्रेज है, हमारे फार्मर बड़े अंग्रेज हो गए भाई। बकवीट आता है, कूटू नहीं आता सर, वेरी गुड,
गुड गुड। अच्छा सर अब इसकी कहानी सुनिए। कहते हैं मैडम कुछ भी करके कूटू आटा बिकवाओ, इतना कूटू का आटा पटा है मारिया। अब सर हमेशा याद रखना, मार्केट में प्रोडक्ट तो कभी बिकता ही नहीं है। क्या बिकता है? आइडिया बिकता है। प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है, आइडिया बिकता है। तो क्या हो गया आइडिया? हमेशा एग्रीकल्चर, चाहे आप पॉमीग्रेनेट लो, चाहे आप ग्रेप ले लो, चाहे आप आम ले लो, मैं आपसे अगर पूछती हूँ, मैं आम का, आप लोग बड़े आम मैंगो ग्रोइंग स्टेट हो, आम के सर कितने प्रोडक्ट आप सोच सकते हो? इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, हर एक एग्जाम्पल में एक लर्निंग छुपी है। बताइए आम के कितने प्रोडक्ट हम वैल्यू एडेड बना सकते हैं? यहाँ पे CFTRI भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बताइए सर हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन थिंक यू कैन मेक आउट ऑफ अ मैंगो? अरे इतनी शांति क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस नहीं नहीं 50-60 नंबर से तो बात हो, तोल मोल के बोल थोड़ी ना। और ऐसा नाम बताइए प्रोडक्ट के नाम। आप लोग जो सोच रहे हो ना सर, जो सोच रहे हो वो सिर्फ ये सोच रहे हो को मैंगो को सिर्फ खाने के काम आ रहा है। मैं आपको पेटेंट बताती हूँ सर, तंजानिया इतना बड़ा मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री, आप मैंगो का पूरा गूदा निकाल दो, इसको क्या बोलते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। बंदे ने सर मजा बांध दिया, ये हमें थाईलैंड में मिला था बंदा, उसने गुठलियां इकट्ठी करी सर, पल्प वल्प छोड़ो यार, गुठली इकट्ठी करी, गुठली का तेल निकाला। पता है सर थाईलैंड में आम के गुठली का तेल जो मसाज इंडस्ट्री होती है ना, 1000 रुपए किलो पे बिकता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये आपको मैं आइडियाज बता रही हूँ, दैट आई मेरा दिमाग खराब हो गया यार, ये बंदे ने आम का कर्नल ऑयल निकाल दिया, दुबई में बेच रहा है उसको कैप्सूल बना के विटामिन ए सप्लीमेंट। हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता है, हम पीले आम को ही लेके बैठे रहते हैं, फिर यूरोप से कहते हैं यार इसमें तुम SPS फाइटोसैनिटरी हो गया खेल। सिमिलर स्टोरी आप सुनो, जब जापान ने, जब इंडिया ने थाईलैंड के साथ एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था, तो बड़े हमारे पास कंपनी आई, KRBL, अमीरा फूड, दावत, ये बासमती चावल वाले, मैडम अब तो ड्यूटी रेट कम हो गया, अब तो धंधा करा दो मैडम, प्लीज धंधा करा दीजिए, एक बार तो दे दीजिए। आई सेड अच्छा दायर दे देते, लेकिन बेचोगे क्या? कहते मैडम चावल तो चावल है, बोरी भर के ले जाएंगे स्टॉल पे बैठेंगे, बट हमसे अच्छा चावल तो किसी के पास नहीं मैडम, देखो इतना बड़ा सफेद रंग का चावल। सर आप देखो टेक्निकलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कहा सर आप ऐसी कंट्री में बाहर ढूंढ रहे हो जो सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, थाईलैंड मुझे इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा परेशानी जिससे होती है कि मेरा चावल ना अफ्रीका में बिकता था, फिर थाईलैंड का बंदा बगल वाली स्टॉल पे बैठा रहता है, मैं ना US में जाता हूँ तो बगल में बैठा रहता है, ऐसी कंट्री में बंदा बोलता है मुझे धंधा करा दो। जो कंट्री हर जगह मुझे कॉम्पिटिशन दे रही है उसी कंट्री में माल बेचने की कला देखिए। कहते मैडम अगर ये बात है कि इंडिया का चावल वहां नहीं बिक सकता क्योंकि वो खुद ही चावल प्रोड्यूस करता है, तो जब जापान ने अग्रीमेंट साइन किया था तो जापान के चावल वालों ने तो मस्त धंधा किया था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आप लोग अभी एक्सपोर्ट नहीं करते, हम लोग HS कोड पे काम करते हैं कि जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक नंबर होता है सर, वही प्रोडक्ट हर कंट्री में अलग 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 तरीके से बिकता है, ये हम लोग अपने फार्मर को बताते नहीं है। जैसे उसने क्या किया, चावल को चावल की तरह नहीं बेचा, आप ध्यान से सुनना सर, चावल को चावल की तरह नहीं बेचा, चावल को थाईलैंड जो है वो उसके पास अपना चावल भी है लेकिन वो इंपोर्ट क्या करता है, अगर आप चावल का पाउडर बना दो तो वो फट से इंपोर्ट कर लेता है। और लॉजिक सुनिए क्यों इंपोर्ट कर लेता है, यार अगर चावल है बंदे के पास तो वो अपना चावल खुद भी तो ग्राइंड कर सकता है। सर इलेक्ट्रिसिटी रेट इज सो कॉस्टली इन थाईलैंड, तो उसको पिसा हुआ चावल इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है, तो आपको ये समझ। और ये कहाँ जाता है सर, ये फेस पैक बनाने के काम आता है,
राइस स्क्रब बनाने के काम आता है सर, माल बेचने का है ना, किसी डॉक्टर ने कहा है कि इसको खाने के लिए ही बेचना है, भाई माल बिकना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम होता है ये फड़ा-फड़ा सड़ना नहीं चाहिए, ये सड़ने से पहले निकल जाना चाहिए। अब तू इसका हैंडीक्राफ्ट बना। सर आप भुट्टे के बाल से कभी कपड़ा बनते देखा है? हम भुट्टे के बाल जो फिक जाते हैं उसका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एलोवेरा का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फट गया दूध उसका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूकलिप्टस सोयाबीन सबका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, संतरा छील देते हो फाइबर आ जाता है उसका कपड़ा बनता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड सीएफटीआई कहाँ है सर, वेरी सीएफटीआई है सर, आपकी बहुत जरूरत है सर इस देश को। वी हैव टू अंडरस्टैंड सर कि मैं हर चीज को छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मैं सर प्राइमरी प्रोडक्ट के पीछे नहीं पड़ना है सर, वो बहुत पैरेलल इंडस्ट्री में काम आता है एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड। ये एग्जैक्टली जापान ने किया, दो चीजें उसने किया जापान ने, उसने एक तो फेस पैक बनाया, इनका जापान का जो चावल है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो इन्होंने फेस पैक बना दिया,